सुनो सुनो सुनो, सल्तनत खुदा की, हुक्म बादशाह का। शाह बगदाद की जानिब से हर खास आम को बड़े अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है कि शाह बगदाद की नूर नजर लख्त जिगर शहजादी तला तारा बेहद अलील है। उनकी आंखों में बेहद तकलीफ है। हकीमों का ख्याल है कि उनका मर्ज ला इलाज है। लिहाजा हर खासो आम से दरख्वास्त है कि वो शहजादी तला तारा के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ करें। मेरी बच्ची का आप कुछ कहते कहते रुक गए, बात क्या है? खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? हकीम साहब, आपने भी तो आंखों का मुआयना किया है, आप ही कुछ बताइए। आप दोनों खामोश क्यों हो गए? आपकी जुबान पर ताले क्यों पड़ गए? आखिर वो कौन सा खौफ है जो आपको जुबान खोलने से रोकता है? जो कहना है बेधड़क कहिए। आप शाह बगदाद और मलका आलिया के हुजूर में नहीं, बल्कि एक गमजदा माँ और एक बदनसीब बाप के सामने खड़े हैं। बताइए बात क्या है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहजादी साहिबा की आंखें दिन ब दिन सुर्ख होती जा रही हैं और आंखों का वर्म भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या वर्म बढ़ता जा रहा है? आप लोग मेरी बच्ची की आंखों का इलाज करने आए हैं या मुझे खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आंखों का वरम बढ़ता जा रहा है? मलका आलिया, हमने अपनी सारी सलाहियत सर्व कर दी। इलाज का जो जो तरीका मुमकिन था आजमा डाला, मगर ना मालूम खुदा को क्या मंजूर है। तो क्या खुदा को ये मंजूर है कि मेरी जान, मेरी नन्ही सी बेटी अपनी आंखों का नूर खो दे, खुदा ना खास्ता वांधी हो जाए? हकीम साहब, अगर मेरी बच्ची की आंखें ठीक नहीं हुई तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। आखिर आप लोग शाही हकीम हैं, कोई मामूली इंसान तो नहीं? हम लोगों ने हिकमत और तिब की हर किताब छान मारी, आंखों की बीमारी के जितने इलाज मुमकिन थे आजमा डाले, मगर अफसोस कोई असर नहीं हुआ। मैं कोई माजरत नहीं सुनूंगी। अगर आप लोगों ने मेरी बच्ची की आंखों का कामयाब इलाज नहीं किया तो फिर आप लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। मैं सिर्फ कल तक की मोहलत दे सकती हूँ बस। मुझे मलका के फैसले से पूरा पूरा इत्तेफाक है। अगर कल तक आप लोगों ने कोई इलाज तलाश नहीं किया तो समझ लीजिए कल का दिन आप लोगों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
सुना है, सुना है सिंधबाद मौत की वादी से बचकर निकल गया। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यदि वो उसी जगह मर जाता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। अब मैं अपने हाथों से सिंधबाद को मारूंगा, अपने हाथों से। मुझे अब भी वो दिन याद है जब उस कमीने ने मेरा एक बाजू और मेरी एक आंख बेकार कर दी थी। हाँ, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरी सिर से कांक निकालूंगा और तेरा एक हाथ काटूंगा ताकि तू जिंदगी भर उस दर्द और तकलीफ को महसूस करे जो तू दूसरों को देता रहा है। और जब भी तू उल्टे हाथ से खाना खाएगा तो मुझे याद करेगा कि सिंधबाद कौन था और उसने तुझे ये सजा क्यों दी थी। उसने तो सिर्फ मेरी एक आंख और एक हाथ बेकार किया है, लेकिन मैं उसकी हड्डी हड्डी अलग कर दूंगा। उसे लमड़ा लूला बनाकर भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ दूंगा। बस उसके आने की देर है। सरदार, 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 कहो क्या खबर लाए हो? सरदार सिंधबाद शहर में आ गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन लेकिन वो इस वक्त है कहाँ? मैंने अकरम को उसके पीछे लगा दिया है। सिंधबाद जहां जहां जाएगा अकरम उसके साथ लगा रहेगा। नहीं, इस समय सिर्फ अकरम से काम नहीं चलेगा, मुझे अब एक ऐसे मददगार, ऐसे साथी की जरूरत है जो मेरी तरह धोखेबाज, मक्कार और अय्यार हो। लेकिन लेकिन ऐसा आदमी कहां मिलेगा, कहां मिलेगा ऐसा आदमी? जाने मन, जाने मन, मन, जाने मन, 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 मन। जाने मन, जरा सी बात के लिए इतने ज्यादा परेशान हो गए? क्या अब तुमको अपनी जुबैदा पर, उसकी चालाकी पर और उसके जादू पर भी भरोसा नहीं रहा? भरोसा है जाने मन, भरोसा है, लेकिन लेकिन सिंधबाद बहुत होशियार, दिलेर और बहादुर इंसान है। तो फिर हमारे पास भी ऐसा ही एक बहादुर, दिलेर और होशियार इंसान है। कहाँ वो इंसान, कहाँ है? है नहीं, पैदा होगा। पैदा होगा? हाँ, और वो भी तुम्हारे खून से पैदा होगा। मेरे खून से? हाँ। लाओ अपना हाथ आगे बढ़ाओ।
तुम्हारा मददगार, इसका नाम है हफीज। हफीज, अपने सरदार कहरमान को सलाम करो। वाह जुबैदा वाह, लेकिन ये आदमी अपने किस काम आएगा? हाँ, इसकी खूबियां धीरे धीरे नजर आएंगी, वक्त आने पर ये हजार रंग बदल सकता है, हर सूरत में ढल सकता है और हर दुश्मन से लड़ सकता है। यानी ये ऐसा तीर है जिसे आंख बंद करके भी मारा जाए तब भी ठीक निशाने पर लग जाएगा। तो फिर जाओ हफीज, जाओ और मालूम करो कि शाही दरबार की क्या खबर है। जाओ। जो हुक्म। वाह वाह जुबैदा वाह, अब सिंधबाद को हम अपने पाले में लाकर मारेंगे, अपने पाले में लाकर। तुमने वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है सिंधबाद। तुम्हारी दिलेरी और जवामर्दी को सिर्फ हम नहीं बल्कि आने वाला वक्त भी सराहेगा, एक जमाना तुम्हारी शुजाअत के गुण गाएगा। शुक्रिया अलीजा, इस नवाजिश और हिम्मत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी भी है और फख्र भी कि मैंने आपकी फरमाइश के मुताबिक दूसरा हीरा भी हासिल कर लिया। कोई और वक्त होता तो हम तुम्हारी इस कामयाबी की खुशी का जश्न मनाते, धूमधाम से तुम्हारा इस्तकबाल करते, मगर अफसोस इस वक्त हमारी नूरे नजर शहजादी तलत आरा आंखों की ऐसी तकलीफ में मुब्तला है कि जिसका कोई इलाज ही मुमकिन नहीं है। सिंधबाद हमें इन हीरों की रोशनी के मुकाबले अपनी तलत आरा की आंखें ज्यादा अजीज हैं, अपनी तलत आरा की आंखें ज्यादा अजीज हैं। जी बंदा परवर, मैंने ये अफसोसनाक खबर शहर में कदम रखते ही सुनी। दुआ करो कि हमारे शाही हकीम इस बीमारी का कोई कामयाब इलाज तलाश कर लें। शाही हकीम तशरीफ लाए हैं और बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। आने दो। क्या आप लोगों ने कोई इलाज ढूंढ निकाला? अगर जान की अमान पाए तो अर्ज करें। कहो। गुस्ताखी माफ हुजूर, शहजादी साहिबा के मर्ज का इलाज दुनिया का बड़े से बड़ा हकीम भी नहीं कर सकता। क्या बकते हो, तुम होश में तो हो? हकीम साहब दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि शहजादी साहिबा की आंखों को जो बीमारी है उसका इलाज किसी हकीम से मुमकिन नहीं। मगर क्या, यहां से हजारों कोस की दूरी पर एक मुल्क आबाद है जिसे निगारिस्तान कहते हैं। निगारिस्तान? ये मुल्क कहां है और इस पर किसकी हुकूमत है? वो
परियों का मुल्क है। वहां परिजाद और परियां आबाद हैं, या फिर उन्हीं की कौम के लोग। कोई इंसान तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वहां बड़े बड़े देव पहरा देते हैं। वहां के बादशाह का नाम मिराज है। वो एक परीजाद है, यानी कि एक परी का लड़का। मगर इन बातों से हमारी तलतारा के इलाज का क्या ताल्लुक? उस मुल्क में एक दरख्त है जिसे शजरे जरीन कहते हैं, यानी सुनहरी दरख्त। सुनहरी दरख्त? इस सुनहरी दरख्त की क्या खासियत है? अगर उस दरख्त की पत्तियों को पीसकर उनका अर्क या रस मरीज की आंखों में लगाया जाए तो आंखें अच्छी हो सकती हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल, बल्कि वो दवा इतनी पुरअसर है कि पैदाइशी अंधे की आंखें भी रोशन हो सकती हैं। तो फिर वहां पहुंचने की सूरत क्या होगी? किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो वहां पहुंचकर उन सुनहरी दरख्तों की पत्तियों को ला सके। तो क्या हमारे होते हुए हमारी तलतारा अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो जाएगी? है कोई जो निगारिस्तान जाकर इस सुनहरी दरख्त की पत्तियां ला सके? है कोई जो निगारिस्तान जाकर इस सुनहरी दरख्त की पत्तियां ला सके? क्या बगदाद की सरजमीन दिलेरों और सरफरोशों से खाली हो गई है? हुजूर वाला, ये खादिम निगारिस्तान जाने और सुनहरे दरख्त की पत्तियां लाने का जिम्मा लेता है। सुभान अल्लाह।